सारी होश सजाकर तैयार हो रही है। वाह रे जवान, कादनी कहानी बहुत होएगी। अरे रूपन भाई कहाँ जा रहे थे? अरे तुम कहाँ जा रहे हैं? अरे मतलब क्या करोगे जान जान? हम गए घोड़सारी में, देखा तो बेंदुला घोड़ा है ही नहीं। हम कहाँ आए? हम वही घोड़ा के टाप पकड़े 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 मतलब यहाँ तक पहुँची है। जहाँ जहाँ पर घोड़े के टाप पड़े थे वो निशान देखते हुए यहाँ तक पहुँचा। यहाँ तक पहुँची कहाँ तैयारी बना लिया? रूपन क्या करोगे जान जान? तुम वापस जाओ। जब मोहब्बत छोड़ दी तुम्हारी खातिर, अरे हम दुनिया छोड़ दे लेकिन तुमका न छोड़। रूपन भाई इस समय मैं किसी खास काम के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। जहाँ जत्ता बड़ा खास हुए का हमसे ज्यादा खास है? रूपन भाई ये बात मैंने ना महलों में किसी से बताया नहीं। तब तो हम जाने नहीं पावा। हम कहा महल में अगर बतौती कहो से अगर सत्यम सिनाक लागत तो। और ये बात अगर तुम पूछते तो सुनो, मैं जा रहा हूँ बूंदी का। बूंदी का? हाँ बूंदिया खा। अरे खाने पीने की बात नहीं, मैं अपने मित्र लाखन का गौना लेने के लिए जा रहा हूँ। गवन लावा जाति के मतलब न्यौता खा के मिले, पहला वो आइटम काटा के मिले, वहाँ नीक निपोर मिले, हम चल पे हम। लेकिन वहाँ खाने से पहले कि शायद तुम्हें ये ज्ञान नहीं रूपन भाई, भूल चुके हो कि जिस समय मित्र लाखन का ब्याह हुआ था तब तो हम रहबे उस समय कितनी जंग हुई। अरे तो का जंग से पाछे तो ठीक है, अगर ये बात है तो आओ चलो चलने के लिए तैयारी बनाओ। चलो 40-50 मरबे करबे। सारी फौज तैयार हो गई? हाँ हाँ तैयार है सभी। किस बात की देरी है, इसी वक्त चलते हैं? तो चलो फिर, आइए चलें तो तैयार है ना। उदयराज क्या बात है चाचा जी? हम लोग बूंदीगढ़ के लिए तैयारी की और ये और सब लोग साथ में आओ चलते हैं। थोड़ी दूर बचा है सरहद को, सरहद के यहाँ नहीं सरहद बूंदीगढ़ का। आओ आगे चल करके अपना खेमा वहीं पे लगाते हैं। उधर देखो ये सामने दिख रहा है, ये बूंदीगढ़ का सरहद है। हम लोग अपना खेमा यही डाल देते चाचा। यह बूंदीगढ़ का सरहदिया? सरहद नहीं सरहद, बॉर्डर है बॉर्डर, बूंदीगढ़ का बॉर्डर है। तुम्हारे समझ में नहीं आएगा रोहन भाई, तुम चाचा को बहुत परेशान करते हो। चाचा जी का होगा, हम लोग अपना खेमा ही लगा देते हैं, लेकिन खेमा लगाने से पहले एक खत लिख करके काम शाह के पास भेज। कागज और कलम लेकर आओ, हमें एक खत लिखकर महाराज काम शाह के पास भेजना है। महाराज के पास भेजते हैं। आइए बैठिए चाचा जी। क्या लिखोगे? जवन बताइए। उदयराज का तो दो खुद लिख लेगा। अरे हम पढ़ी लिखी। हाँ पढ़ी लिखी रहो इसीलिए तो।
और चाचा जी हमने एक खत लिख दिया है और शायद मालूम नहीं हमने इसमें क्या लिखा है। हमका का पता और तिलका ने भेजा मुझे कनवज के बलिधाम करवाने तो न मित्र का भूदल मेरा नाम और घास भूसा सरहद पठाओ पढ़ मेरे परवाने को आया हूँ कुसुमावती को मैं विदा कराने जो न धोगा ना तो ये आग जलेगी राजन और ये मेरी चंग छिड़ेगी तलवार जलेगी हैरान दस्त उदयराज ये खत बहुत जल्द पहुंचाओ। उदयराज चाचा जी मैं रूपन का इंतजार करूंगा। चलिए चाचा जी आइए। गौर कीजिएगा कहानी पर इधर देखिए ये पैगाम लेकर रूपन चल देता है। इधर देखिए ये बूंदीगढ़ है और ये दरबार महाराज कामशाह का है और देखिए इधर महाराज कामशाह अपने दरबार में बैठे हैं और देखिए दरबारियों से क्या बात करते हैं। कहानी पर गौर कीजिएगा। महाराज की जय हो। खुश रहो कल्याण हो। कहो कहो राज का क्या समाचार है। राज का समाचार तो सब ठीक है महाराज। आपकी जनता आपकी राया दूध भात खा रही है। क्यों नहीं बेशक होना भी यही चाहिए। आप इस समय हमारा राजकुमार सूरज कहाँ है। आपकी जय जयकार कर रही है। यानी राजकुमार सूरज शिकार पे गया हुआ है। जी तुम साथ नहीं गए। नहीं महाराज सूरज भैया ने कहा कि आज हम तनहा अकेले शिकार खेलने जाएंगे। हर क्यों नहीं छत्री है आखिर शिकार उसका शौक। हमको लगता है शिकार करके आ गए। देखो फाटक पर कोई आवाज लगा रहा है। बहुत अच्छी वो है कौन। यार मोतना है तो बाहर जाओ यार। यहाँ क्या करे मोते आए हो। ये राज दरबार है। हाँ 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 है। रूपन ओहो महाराज एक रूपन बारी आया हुआ है और वो खत लाया है। क्या इजाजत है। वाह रूपन आया हुआ है। जी ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैंने अपनी लड़की की शादी कन्नौज में लाखन के साथ किया है। जो शायद कन्नौज से आया हुआ है। जाओ उसे आदर के साथ दरबार में उपस्थित करो। जैसी आपकी आज्ञा। रूपन आ सकते हैं। तुम्हारा ही नाम रूपन। जी हाँ तुम रजगीर से आए हो या कन्नौज से आए हो। हम कन्नौज से आए हैं आपके सरहद पर टिके हुए हैं। अच्छा हमारे ये पत्र किसने भेजा। हमारे युवराज उदयराज ने भेजा है। ओह
आदरणीय महाराज काम शाह, आपको मालूम हो कि हमारे साथ ताला चचा मुझे रानी तिलका ने कनवस से लाखन के गौने के लिए भेजा है, और हमारे साथ ताला चचा और कुछ थोड़ी मोड़ी फौज है, और रूपन भी आया हुआ है, इसके लिए कुछ रसद भेजने की कृपा करें महाराज। दस का उदर दरबारी, सबसे पहले जी तो रूपन के जलपान का इंतजाम किया जाए। बहुत अच्छी बात है महाराज। और जाओ हमारे बेटे सूरज को बुलाकर मेरे पास लाओ। जैसी आपकी महाराज, मैं जलपान नहीं करूंगा, मैं नेक में जलपान नहीं करूंगा। नहीं जलपान ना करी हो, चलो नाश्ता तैयार है, तीन तीन के आइटम है। हम आइटम नहीं खाते, लड्डू है, पेड़ा है, बर्फी, तीनों खा लियो। तीनों नहीं खाते, हमें पहले नेग दीजिए, तब हम यहाँ से विदाई लेंगे। यानी तुम्हें नेग चाहिए, हमें यहाँ रुकना कितने टाइम पड़ेगा? लेकिन ये बताइए आप नेग में लेना क्या चाहते हैं? एक घंटा जंग, एक घंटा जंग, जंग कोई है पहलवान? एक घंटे की जंग के लिए रूपन इतना परेशान? अरे एक घंटा में तो बूंदीगढ़ के हवा उड़ा देवे। इजाजत दीजिए। जरूर इजाजत दूंगा, क्योंकि काश अगर ये दूत नहीं होता जी महाराज, मैं इस तरह तुम्हारा सूरज से सामना करा देता। आप लेकिन हमारी आज्ञा अनुसार तुम इसे घंटे जंग करोगे। तुम करिए, मैं करूंगा। अरे साले तुम्हारे दिन के 365 फेंक दिन, ना जाने कितने आते हैं कितने यहाँ से भाग जाते हैं। भट्टा हो रहे हो? हाँ। चलो आप तैयार तैयार हो जाओ। तलवार दूसरा ले, न कट्टी तलवार से ना लड़ो, इससे नहीं लड़ोगे। ये है देखते हो मोटी मोटी, एक दिन तो ही बच्चा बहा दे। देखने ये गए थे कि देखते हैं तुम्हारे खजाने में कितने बड़े बड़े हथियार। अरे बड़े बड़े हथियार हैं। हथियार नहीं साले, हथियार। वही बात, तैयार हो जाओ। होशियार तुम खाओ सियार साले। हम सियार खाएं कि होशियार कहते हैं? हाँ छत्री लोग हमेशा होशियार रहते हैं। सुन लियो, हम लड़ाई भिड़े में कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तैयार हो जाओ। दारा सिंह से कम नहीं, दारा में धूम नहीं। आओ तैयार हो बेटा। पहले का नंबर है ना दे भाई। तैयार तैयार। देखो खसाओ मार नहीं मारे थे, जौने पौपे वही पहला। तैयार होशियार।
अनेकपुर हो गया, बच्चा बहा दे। इसका मतलब तुम्हारा नेक हो चुका, हो चुका, तुम जा सकते हो, रसद समय पर आ जाएगा। जाओ दरबारी, दरबारी छाओ मेरे बेटे राजकुमार सूरज को बुलाकर। जैसे आपके आज्ञा, तशरीफ लाइए। बेटा सूरज, मैंने तुम्हें आज बहुत जरूरी काम से बुलवाया। आपका हुक्म सर आंखों पर दादाजी। इसलिए हर माँ बाप की एक खुशी होती है, ख्वाहिश होती है कि जब तक बेटी घर में सयानी है, हर माँ बाप को दर्द होता है। दादाजी आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो मेरी बात। और लेने लाखन कजाना उदय चंद, खुशी मुझे किसी दिन नहीं मिली। आए बनी मुझको खुशी और सारा नगर सजवा दो, और खाना दाना पास उनके तुम अभी पहुंचा दो, और साथ हो करके सूरज जिगर। इसके मतलब हमारे जीजा जी आ चुके हैं। जीजा जी के मित्र है वो, तुम्हारे जीजा जी नहीं है। अरे फिर भी हमारे जीजा जी तो रिश्ते में तो जीजा ही लगते हैं। चाहो उन्हें आदर मान सम्मान के साथ पहले राजमहल में। ठीक है दादाजी। और साथ साथ रसद ले जाओ, वहाँ पर किसी चीज की कमी ना होने पाए, और उनके आने से पहले सारे नगर को इस पूरे नगर को एक दुल्हन की तरह सजा दो, इतना सुशोभित कर दो कि वो आए रिश्तेदार तो देखें कि हम कहाँ आए हैं बूंदी। दादाजी आप बेफिक्र रहे, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। रामलाल आज हमें बहुत बड़ी खुशी की भाई, हम का खुशी के बाद। इसलिए चलो हम और आप जीजा जी से मिलते हैं। वह तो है ही है भाई। अरे भाई तुम्हारे जीजा आए हैं। अभी तो तेरा भी तो जीजा ही है। हमारा फूफा है। ये तो सत्य कहा है भाई, तुम्हारे जीजा है, हमारे फूफा है। बहुत प्यार है बेटा तू। और कहा बहुत पहले से। आ चलते हैं, चलो चलो फूफा से मुलाकात हो। रसद लेकर युवराज सूरज आ रहे हैं।
रूपन भाई ए रूपन पहले से और एक बात बताओ जीजा जी एक बात बताओ मतलब तुम्हारे यहाँ की ये वसूल है कि रिश्तेदार से पीछे से मिला जाता है। देखिए भाई आगे की सीट भैया लिए थे आगे की सीट खाली नहीं रही तो हम कहा पीछे की सीट खाली लो पीछे से मिल रही जैसे से मिला है वैसे ही तुमसे मिले। और बताओ जवान वैसे भैया लौंडा बड़ा चपुआ है लौंडा इतना चपुआ है कि खेत मालिक बेटा क्या हुआ चाचा जब तक आपस में तुम लोग बात करो मेरे नमाज का समय हो गया। शुक्रिया चाचा मैं अभी आ रहा जल्दी आना चाचा। जीजा जी मैं आपसे यार मैं तुमसे नहीं कह रहा इधर सुनो इधर एक मिनट जैसे मान लिया वही जीजा वैसे तुम्हारी जीजा और जैसे जैसे वही हमारे फूफा वैसे यू हमार फूफा लौंडा बेतुका लागत है। जीजा जी बोलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सूरज मैं चाहता हूँ आप मेरे राज दरबार तक चले। आपका कहने का मतलब तो सही है लेकिन आप नहीं जानते सूरज क्योंकि हम अभी किसी से सलाह लेना पड़ता है और वो जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। सूरज तो देंगे ना जब तक हुकुम बनरस के सरदार तुम्हारे चल नहीं सकता हूँ साथ तुम्हारे चल नहीं सकता हूँ चाचा ताला हमें हुक्म नहीं देंगे मैं आपके साथ चलने से मजबूर हूँ। चाचा भी आ गए मैं इन्हीं से इजाजत ले लेता हूँ। चाचा जी बोलिए फिर बात क्या। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो क्या कहना चाहते हैं। आपके हाथ में हाथ को जोड़ कर मैं अभी
चाचा जी। बेटा सूरज नाम मत करना चाचा जी। आप उदय राज को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? जी हाँ चाचा जी। मेरी बात सुनो। तो सहने की है इसमें आदत नहीं, साथ भेजू न तेरे और कभी मैं सुनो, क्योंकि घर घर में बेटा जादू की मां। अब छठ के पंद्रह के सरदार तुम रहिए। तैयारी न कुछ जंग की, जाल बाजी भरे भी वह जादू न हो, करिए विश्वास चाचा जी। मैं गंगा की कसम खाकर कहता हूँ, महल में कोई ऐसी तैयारी नहीं है जिससे जंग छिड़े, आपसे फरियाद है। सूरज केवल जीजा को मेरे यहाँ भेज दे बस। मैं समझा कि हिंदुओं में एक सबसे बड़ी गंगा और मुसलमानों में कुरान। सत्य है जीजा जी। आपकी बातों पर मुझे विश्वास हो रहा है, मैं उदयराज से बात करता हूँ। उदयराज मैं आपको इजाजत देता हूँ कि आप सूरज के साथ जाइए। ठीक है चाचा जी, लेकिन होशियारी से रहना। जैसे आज्ञा हो चाचा जी। क्योंकि वहाँ पे घर घर जादू की मार। देखिए चाचा जी, अभी भी राजकुमार सूरज ने श्री गंगा की कसम खा के कहा कि वहाँ पर कोई जंग की तैयारी नहीं है, न जादू टोना, कोई फरेबी नहीं। तभी मुझे विश्वास हुआ। ठीक है चाचा जी। सूरज उदयराज को लेकर के जाओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने पाए। अरे रुको साले, तू भी जाएगा। चाचा हम लोग इजाजत दियो। ठीक है जाइए, लेकिन बहुत होशियारी से रहना। अरे हम जहाँ रहा कहाँ कोनो बात हो ही ना पाए। और जब तक तुम लोग नहीं आओगे मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है। चाचा जी तुम भी जाओ, समय मिलेगा तो फिर चले आना। बहुत अच्छी बात है, जाइए चलते हैं फिर। राजकुमार सूरज जब तक तक राजकुमार उदयराज मेरे से दूर है मुझे चिंता रहती है, लेकिन सूरज ने गंगा की कसम खाया है, मैं उसका इंतजार करता हूँ। हर नदी ने तो हमका बोलई हो कि नहीं, नबी अपना जलवा देखई हो कि नहीं, नबी अपना